सन 1895 में आज ही के दिन अमेरिका में वुडविल लैथम और उनके बेटी ओटवे और ग्रे ने अमेरिका में विकसित पेंटॉप्टिकॉन को पहली बार प्रदर्शित किया था। लैथम भाइयों ने अपने पिता वुडविल के साथ डब्ल्यू के एल डिक्सन की मदद लेकर ऐसी मशीन बनाई जो आदमकद तस्वीरों को पर्दे पर पेश कर सके ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शक एक साथ उसे देख सकें। आज के दिन सन 1938 में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखने वाले मशहूर गीतकार मोहम्मद इकबाल का निधन हुआ था। इकबाल की मुख्य रचनाएं हैं शिकवा और सिक्स लेक्चर्स ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट। इकबाल की काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि प्रदान की थी। आज के दिन सन 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ की सेना ने बर्लिन के कुछ बाहरी इलाकों को अपने कब्जे में लिया था। बर्लिन शहर पर कब्जा करने और हिटलर को मात देने की कोशिशों में मिली जीत सोवियत संघ की सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सन 1975 में दक्षिण वियतनाम के राष्ट्रपति ग्वेन वान थियू को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। इस्तीफे के बाद थियू ने टीवी और रेडियो पर अपने संबोधन में कहा था कि उनकी सरकार कम्युनिस्टों को इसलिए नहीं रोक पा रही है क्योंकि अमेरिकियों ने जिस सहायता का वादा किया था वो उन्हें नहीं मिली है। और आज ही के दिन 1987 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक बम धमाके में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और करीब 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मरने वालों में अधिकतर श्रीलंका के सिंहली बहुसंख्यक समुदाय के लोग थे। यह विस्फोट श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में एक अलग तमिल राष्ट्र के लिए संघर्ष कर रहे तमिल अतिवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी कि लिट्टे ने किया था।